गुरुवार को हिसार के डोबी गांव में पुलिस कर्मचारी की पत्नी सुनीता और 3 साल के बेटे निखिल की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। मृतक सुनीता गांव के ही एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका थी। हत्या का आरोप परिजनों ने मृतिका के पति साहिबराम जेठ सतबीर सिंह ननंद और नंदोई पर लगाया है। सुनीता और निखिल का शव घर के बंद कमरे में मिला है। थाना सदर SHO ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतिका के भाई के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं मृतिका के भाई अजय ने बताया कि उसकी बहन के ससुराल से फोन आया कि सुनीता घर पर नहीं है। अजय ने बताया कि इसके बाद स्कूल में पता किया गया और कहीं जगह तलाश किया, लेकिन सुनीता का पता नहीं लगा। अजय ने बताया कि इसके बाद सुनीता का शव घर के एक बेड पर कमरे में मिला। सुनीता के भाई ने आरोप लगाया है कि सुनीता की ननंद उससे लड़ाई झगड़ा करती थी। हमको इंसाफ मिलना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। किस पे शक है? सब तो जो दोनों भाइयों पर है, ननद पर, नंदोई पर। कल इसको कोई अनबन कर रही नानू जी, कल तो इसी कोई बात कोई घटना होती है, उसकी ननद उसके साथ कौन कर जेठ भी इसके साथ लड़ाई झगड़ा करे करते उनकी सास भी दहेज वगैरह मांगने का कोई ऐसी कुछ चीज कभी सामने आई हो ना जी? ऐसी कोई बात उसने कुछ बताई वो नहीं। 2-3 घंटा पहले तो बात भी हुई थी, बताओ थी अब स्कूल से आई हूँ, आटा पीसूंगे, कपड़े दूंगे। नाम क्या दिया था? अजय कुमार जी। आपको कैसे पता चला? पिताजी, मेरे पिताजी ड्यूटी पर जा रहे थे, जाने लग रहे थे, पिताजी के पास फोन ना बटे, वो आपकी बेटी घर पर नहीं है, पर नहीं आ रही है गे। तो मेरे पापा वाले अपनी आदतों को नहीं, सारे रिश्तेदारियाँ फोन नहीं करा, पता कौन सा लगा, उसके एक दो फ्रेंड उसके पास पता करे। फिर मैं वहाँ पर दुकान होने के किराए पर 5-6 दुकान है, मैंने सोचा वहाँ पर जाकर पता कर लिए, दुकान वाले कुछ देखे होंगे नहीं, अड्डे वाले, बस स्टैंड गड्डे वाले कुछ ना कुछ तो देखा होगा। स्कूल में जो पढ़ाया करते उसमें जाके पता करा, फिर बोले आज आई नहीं, कल चली गई थी, वैन में घर पर छोड़ के आया था ड्राइवर। उसके बाद ना वो लड़का आया ना उसकी मम्मी को नहीं आई देना। कहाँ है आपके बच्चे जीजाजी? अच्छा हाँ जी, उसकी पोस्टिंग तो फतेहबाज है, अभी पता नहीं ना हमने, उसके बाद में ना कोई फ़ोन किया ना कोई फ़ोन आया। किस चीज़ में? हरियाणा पुलिस में। आपका क्या नाम है? अजय कुमार जी। मामला जी, ये जो सुनीता नाम की लड़की थी और उसका बेटा निखिल, दोनों को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया गया और इतनी बेरहमी से हत्या की गई है जिसको देखा भी नहीं जा सकता किसी से। आपको कैसे कुछ पता चला? हमको तो जी उसके सुनीता के पति का मेरे अंकल के पास फ़ोन आया था और उसने कहा कि लड़की फुनियार आई हुई है, इसी कारण ड्यूटी से वापस फ़ोन किया अपने बेटे के पास और कहा कि जाकर पता करो वहाँ। पता हाँ, जहाँ पर पता कराया जी तो वहाँ पर देखा जी, ये कमरे ताला लगा हुआ है, बाकी खुले है, सास उसकी घर पर थी, लेकिन हमने अंदर से देखा तो खून का भाव बाहर आ रहा था जी। उस हिसाब से हमने ताला तोड़ कर देखा तो दोनों मर्द पड़े थे जी, कुल्हाड़ी उसके लाश के पास पड़ी थी। शक तो जी एक तो उसका जेठ है जी सतबीर, और एक साहबराम है जी उसका पति, और एक ननंद है जी विनोद कुमार, एक नंदोई जी सोनू, चारों पर शक है जी पूरा। तो अब क्या कुछ कार्रवाई करते हैं? हम जी हमें पूरा इंसाफ मिलना चाहिए जी, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए जी, हमें पूरा इंसाफ जी, और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए, यही मांग है जी हमारी सरकार से। क्या काम करता पति इसका? इसका पति जी पुलिस में है जी, फतेहवाड़ ड्यूटी है जी, दुर्गा शक्ति टीम में है जी। क्या पद है? कॉन्स्टेबल है जी। नाम क्या है? अनिल कुमार है जी। क्या लगते हैं? मैं भाई हूँ जी लड़की का, ताऊ का लड़का हूँ। इन्फॉर्मेशन आई थी ऐसे डोबी गांव में एक मर्डर हो गया था, तो मौके पे हम पहुँचे, जिसमें अपने उसमें साहबराम ने अपनी वाइफ और अपने बच्चे के कुल्हाड़ी से मार के हत्या कर दी थी। तो उसमें केस रजिस्टर कर लिया हमने, पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी हैंड ओवर कर दी है। इसके बयान पर क्या मामला? ये हमने लड़की की मृतक की ब्रदर की स्टेटमेंट पर FIR लॉन्च की है।
नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी हमने जब भी गिरफ्तार मतलब पकड़ में आ जाएगा बता देंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।